बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जब डीएनए का स्ट्रक्चर हमने जो है वो पता चलाया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला, तो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के, डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियर्स की डिफरेंट आरा थी राय, ठीक है। कोई कहता था डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई कहता था डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई कहता है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है। आप बड़ी क्लासेस में डिफरेंट मॉडल्स पढ़ोगे डीएनए के, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा माने जाने वाला जो मॉडल बना दैट वॉज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सबसे ज्यादा बात जो हमने मानी वो किसकी मानी, वाटसन की और क्रिक की। किसकी बात मानी हमने, वाटसन एंड क्रिक की। ये बात समझ में आई है कि हमारे पास सबसे ज्यादा माने जाने वाला जो ऑथेंटिक जिसको हम मानते हैं, स्टिल हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डीएनए का मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मेथड है, ज्यादा चांसेस यही है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जरा स्ट्रक्चर देखना है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए खुद किस चीज का बना होता है, डीएनए खुद किस चीज का बना होता है। बेटे सबसे पहले हम देखें, हम कहते हैं 1953 में वाटसन एंड क्रिक दो अलग अलग लोग हैं, वाटसन अलग है, क्रिक अलग है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इनका नाम है। तो इन्होंने 1593 में डीएनए का एक मॉडल पेश किया, डीएनए का एक मॉडल, इन्होंने कहा डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम बताएंगे। अच्छा हम देख लेते हैं इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। बेटे इन्होंने कहा, और आज के बाद आपसे भी कोई पूछे व्हाट इज डीएनए, तो आपके जबान पे पहला जो लफ्ज आना चाहिए वो ये आना चाहिए, डीएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। हम बच्चों से पूछते हैं डीएनए क्या है, वो सिंपल सा जवाब देते हैं, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई हमने आपसे ये नहीं पूछा कि डीएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट, डीएनए किसका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन नहीं पूछ रहे आपसे, आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि डीएनए है क्या, डिफाइन करो डीएनए को। बच्चे डीएनए की डिफाइन में भी ये लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटे डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, इधर देखो जरा, पॉली एंड न्यूक्लियोटाइड, किसी एक न्यूक्लियोटाइड की आपको एग्जांपल आती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। किसी डाई न्यूक्लियोटाइड की, टू न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल दो तो एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, कैसा है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, एक से ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब थोड़ी सी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियोटाइड की देखी थी। हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों का मजमुआ होता है, तीन चीजों का मजमुआ होता है, वो न्यूक्लियोसाइड था जो दो चीजों का मजमुआ था। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, हम कहते हैं बेटे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेन थिंग्स। नंबर वन पे हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजिनस बेस, क्या होगी इसमें, नाइट्रोजिनस बेस, जिसको हम एन बेस भी लिख दिया करते हैं। दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, फाइव कार्बन शुगर। बेटे असल में वो फाइव कार्बन शुगर होती है, उसको हम कहते हैं राइबोस, क्या कहते हैं राइबोस। लेकिन जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए एब्रीवेशन किसका बनता है, डीऑक्सीराइबोस, क्या बनता है, मतलब राइबोस में कितने कार्बन होते हैं, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन नंबर टू से हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
जब बेटे ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो वो राइबोस अब राइबोस कहलाने के लायक नहीं है, अब वो क्या कहलाती है, डी ऑक्सी। डी मीन आपने निकाल दिया, किस चीज को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया बेटे, किसके अंदर से निकाल दिया, राइबोस में से, डी ऑक्सी राइबोस। डीएनए में जो शुगर है 5 कार्बन शुगर वो कौन सी है, और बेटे तीसरी चीज जो हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में होती है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप्स। ये बात समझ में आई है, तो कितनी चीजें हमारे पास हो गई, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। डीएनए की बात करें तो बेटे नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कितनी होती हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डीएनए में। अदरवाइज नाइट्रोजनस बेसिस बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में, लेकिन डीएनए की बात करेंगे तो फिर सिर्फ कितनी है, 4। नंबर 1 कौन सी है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, बात समझ में आई है, इधर देखो, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड एब्रीवेटेड भी ऐसे ही, ए से एडिनिन तो कैपिटल ए, जी से गुआनिन तो कैपिटल जी, सी से साइटोसिन तो कैपिटल, और टी से थायमिन तो कैपिटल टी। ठीक है, और वो कहते हैं आरएनए में भी एक फर्क याद रख लो बेटे, आरएनए में सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल होती है, आरएनए के स्ट्रक्चर में थायमिन की जगह क्या होती है, उसको एब्रीवेट किसे करते हैं, यू से, कैपिटल यू से। आरएनए में थायमिन, थायमिन की जगह पे कौन आएगा, यूरेसिल इज आल्सो अ नाइट्रोजनस बेस। ये तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, 5 कार्बन शुगर के बारे में पढ़ लिया और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। अब हम कहते हैं ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, इसके अंदर ये जो लाइन बना रहे हैं और ये जो इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लगाते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात असल में देखने वाली है। हम कहते हैं बेटे ये जो हमारे पास डीएनए का ये स्ट्रैंड है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट शुगर, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट। अब फॉस्फेट शुगर की जब हम बात कर रहे हैं बेटे, तो इसका मतलब हम कितनी चीजों को आपस में मिला रहे हैं, दो, एक 5 कार्बन शुगर को और दूसरा साथ में फॉस्फेट को। हम कहते हैं फॉस्फेट शुगर इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए, इट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए। हम कहते हैं ये डीएनए की बैकबोन है, डीएनए की बैकबोन है। आपने सीढ़ी बनानी है, लेट मैं इसको अनकॉइल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ये जो इसके बल इनको खोल देता हूं, ये आपको इस तरह एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा, दो स्ट्रैंड है और दरमियान में लिंकेज है, दरमियान में लिंकेज है। वो कहते हैं अगर आपने सीढ़ी बनानी है तो सबसे पहले ये दरमियान वाले डंडे लेके आओगे या साइडों वाले दोनों, तो इसका मतलब जब तक ये साइडों वाले स्ट्रैंड नहीं होंगे तो आप दरमियान वाले जो स्ट्रैंड है उनको फिक्स नहीं कर सकते। तो ये बैकबोन है, बैकबोन का मतलब ये नहीं है कि डीएनए की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन का ये मतलब है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका क्या है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसका, वो उसकी बैकबोन है, वो फॉस्फेट शुगर है, वो क्या है, जो बुनियादी तौर पे चाहिए, बाकी चीजें बाद में डिवेलप करेंगे, बाकी चीजें बाद में डिवेलप करेंगे। तो कितनी चीजें हमने मिला के ये दो स्ट्रैंड बनाए हैं, ये जो स्ट्रैंड है ये किस चीज का बना होता है, फॉस्फेट और शुगर का। आपकी बुक थोड़ा सा इस तरह, ये 5 कार्बन हम शुगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके साथ हम यहाँ पे यूं गोल करके फॉस्फेट लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, फॉस्फेट लगा दिया, 5 कार्बन शुगर बनाएंगे और साथ में क्या लगा देंगे, फॉस्फेट लगा देंगे, ठीक है, और इनका फिर आपस में कनेक्शन बनता रहेगा, इनका आपस में कनेक्शन बनता रहेगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है हमारे पास, दैट इज, ये तो हमारे पास ऐसी समझो एक लाइन बन गई, बैकबोन बन गई। अब उसके साथ हमने यहां पे बॉन्डिंग के लिए तीसरी चीज लगानी है,
हमने दो चीजें इस्तेमाल कर ली, अब तीसरी चीज क्या बची है हमारे पास? हम कहते हैं यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, क्या अटैच होती है? लेट के मैं कहता हूँ ये एन बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये एक स्ट्रैंड है, बिल्कुल ऐसा दूसरा स्ट्रैंड होगा यहाँ पे, उसकी क्या होगी? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस दोनों स्ट्रैंड्स की अंदर वाली जानिब है, बाहर वाली जानिब है? अंदर वाली जानिब है। अब यहाँ पे जो लिंकेज डिवेलप होनी है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स डिवेलप होने हैं बच्चे, वो नाइट्रोजनस बेस का किसके साथ बनना है? नाइट्रोजनस बेस के साथ ही बनना है। अब यहाँ पे हमारे पास चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं, कौन सी नाइट्रोजनस बेस किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, हमने ये बात याद रखनी है, और कितने बॉन्ड बनाएगी, कैसा बॉन्ड बनाएगी, कितनी चीजें याद करनी है हमने? तीन। कौन कौन सी आपस में बॉन्ड बनाएगी, और कौन सा बॉन्ड बनाएगी, और कितने बॉन्ड बनाएगी, ठीक है? आपने ये लाइन याद रखनी है बच्चे, एट गर्ल कॉलेज, एट एन कंपोल्डा, ठीक है? अब इधर तवज्जो करो जरा बेटे, पहले क्या लिखा मैंने, ए और एट, कितने लफ्ज हैं? दो। इधर ए है कहीं पे, टी भी है कहीं पे, इसका मतलब ए ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थायमिन, ए और टी कितने लफ्ज हैं? दो। कितने बॉन्ड? दो बॉन्ड। एडिनिन ऑलवेज फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या लफ्ज बोला मैंने? हाइड्रोजन। इसका मतलब हमने पहली बात तो ये बता दी कि किस किस का बॉन्ड बनेगा, ये भी बता दिया कितने बॉन्ड बनेंगे, और तीसरी बात भी मैंने बता दी किस टाइप, किस नोयत का बॉन्ड होगा ये। ये कोई कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है बेटे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ी है बेटे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द वीक फोर्सेज, ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग मजबूत फोर्सेज नहीं होती, ये कमजोर फोर्सेज है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ जोड़े जरूर रखती है, एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ जोड़ के जरूर रखती है। ये बात समझ में आ गई बेटे? एडिनिन ऑलवेज फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। अब दूसरी क्या चीज रह गई? जी और सी, गर्ल नहीं रह गई दूसरी, जी रह गया यहाँ पे और सी रह गया बेटे। जी गोनीन ऑलवेज फॉर्म थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन, गुआनिन कितने बॉन्ड बनाएगी? अगर आपको एडिनिन और थायमिन की याद रह जाएंगे, गुआनिन के अंडर स्टूड है थ्री होंगे, ठीक है? गुआनिन किसके साथ बॉन्ड बनाती है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है? थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हमें यही चार से पांच चीजें बताता है। पहली चीज उसने ये बताई हमें कि डीएनए जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड है। बेटे इधर देखो जरा, फॉस्फेट शुगर, सॉरी फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया यहाँ पे? दूसरा। यहाँ पे? तीसरा। यहाँ पे? चौथा। और इधर भी एक दो तीन, कितने तीन हो गए भाई? ये तो क्या हो गए हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड हो गए हैं ये। ये क्या हो गए? पॉली न्यूक्लियोटाइड। और शक्ल कैसी बनती है डीएनए की? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो हेलिक्स में कॉइल हो जाता है, ये भी किसकी वजह से कॉइल हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कॉइल हो जाता है। किसकी वजह से कॉइल हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कॉइल हो जाता है। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने पहले सबसे पहले हमें ये चीज एक्सप्लेन की कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, दो स्ट्रैंड होते हैं, दो सीढ़ी के डंडों की तरह होते हैं। कंपोजिशन बता दी, नाइट्रोजनस बेस, फाइव कार्बन, शुगर, डीऑक्सी होगी, और ये बात बता दी। फिर बता दिए कौन किसके साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। काफी है, इसको बुक से रीड कर। नंबर है हमारे पास 95, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure of DNA. According to the Watson and Crick model, a DNA is a molecule consisting of two polynucleotide strands. These strands are coiled around each other. ये एक दूसरे के लिपटे होते हैं in the form of double helix. In the form of double helix. And the nitrogenous bases are on inside. Nitrogenous bases किस जानिब आ जाती हैं? Inside आ जाती हैं. In double helix, the nitrogenous bases are opposite nucleotides from form pair. अपोजिट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका अपोजिट ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अपोजिट न्यूक्लियोटाइड जो है फॉर्म पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद रखना कौन सा बॉन्ड बनता है उनके दरमियान? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
दिस पेयरिंग इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. ये पेयरिंग कैसी होती है बेटे? वेरी वेरी स्पेसिफिक. ये नहीं है कि मुंह उठा के एडिनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना ले. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है म्यूटेशन. किसे कहते हैं म्यूटेशन? चेंज इन डीएनए, चेंज इन जीन इज कॉल्ड. वो किस वजह से होती है? रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट. यही होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड अगर इधर बन गया, इसकी बजाय इधर बन गया, तो ये म्यूटेशन हो गई है डीएनए में. ये क्या हो गई है? इसी की वजह से कैंसर भी हो सकता है, इसी की वजह से आगे इनहेरिट मौरूसी बीमारियां भी हो सकती है. अच्छा जी, दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक. द नाइट्रोजनस बेस एडिनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद थायमिन ऑफ अपोजिंग न्यूक्लियोटाइड, व्हाइल द साइटोसिन फॉर्म पेयर विद ग्वानिन. There are two hydrogen bond between किसके दरमियान two hydrogen bond है? Adenine and thymine के दरमियान. And there are three hydrogen bonds between the cytosine and guanine. बेटे ये आपके पास structure है phosphate sugar का. अगर आप more precise structure देखो तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ. कि यहाँ पे जो linking है हम carbon की करते हैं numbering. फॉस्फेट शुगर में जो होते हैं कार्बन उनकी क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं. ठीक है, अब यहां पे ये फॉस्फेट और ये कार्बन नंबर 4 यहां पे जो है वो इनका बॉन्ड बनता है. फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनता है नंबर 1. नंबर 2 कार्बन नंबर जो है वो हमारे पास 1 इसके साथ हम अटैच कर देते हैं नाइट्रोजनस बेस. क्या अटैच कर देते हैं? अब ये वाली जो सीक्वेंस है आप देखो तो डीएनए डबल हेलिक्स के ऊपर एक तरफ 3 प्राइम लिखा होता है, एक तरफ 5 प्राइम, और इसी के एंड के दूसरी जानिब यहां 3 प्राइम होगा, यहां 5 प्राइम होगा. ये हम क्यों लिख देते हैं? क्योंकि बेटे साथ में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी होती है. क्या होती है? आप जरा गौर से देखो, एक नाइट्रोजनस बेस को इस तरह ड्रा किया हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस को दो डबल रिंग ड्रा किया हुआ है. जो हमारे पास एडिनिन और ग्वानिन होती है ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती है. ये क्या होती है? और जो थायमिन और साइटोसिन है ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती है. ये क्या होती है? हम इनको प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स कहते हैं, या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, तो वहां पे आप इनका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखोगे कि जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस के कार्बन भी शामिल हो जाएंगे, फिर जब हम इन कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो इनको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम कह लेंगे, या इसको अगर हम 1 2 3 कर रहे हैं तो इस कार्बन शुगर की जो है वो नंबरिंग है वो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम होगी. तो यहाँ पे 3 प्राइम और 5 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो हमारे पास शुगर के कार्बन हैं उनको हमने नंबर दिया हुआ. उनको सिंपल नंबर क्यों नहीं दिया? 1 2 3 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1 2 3 हम पहले किसके कार्बन को दे चुके हैं, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फर्क वाजे रखने के लिए इसको दे दिया. अगर फॉस्फेट के अंदर भी यहाँ पे भी कोई कार्बन वाला होता तो उसको 1 डबल प्राइम नाम दे देते, 2 डबल प्राइम. ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये था आपका डीएनए के बारे में. आपने इसकी बॉन्डिंग की डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट इसकी थ्योरी याद करनी है. इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.